नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिलीप जोशी ऑल ओवर ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज होलिका दहन है और गौरी जा रही है आज अपने ननिहाल। उसकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो नानी ने उसको बुलवाया है। अब सौर्या को आज पूरे दिन, आज और कल दो दिन की छुट्टी दी है, पढ़ाई नहीं करेगा। दिन को हम चलेंगे एक एक होलिका जो दहन करेंगे तो बच्चे कैसे तैयार कर रहे हैं उसको देखेंगे। फिर रात को होलिका दहन का सीन भी देखेंगे। उसके बाद में रात को नाइट गेम्स होंगे बच्चों के, अपन करवा रहे हैं तो हम सब साथ में रह के और पूरी रात जगेंगे। दोस्तों गौरी तो आज जा रही है नानी के पास में, वहाँ से बुलावा आ गया, बोले कि गौरी को बुलाओ, तो वो और उसके मम्मी तो जा रही है। तो वैसे तो उसका मन है नहीं जाने का, फिर भी उसने कहा है कि भाई हमको कुछ बैलून्स वगैरह ला दो, तो गौरी के लिए कुछ बैलून्स ले लेते हैं। गौरी साथ में तो आ ले रही है, वो तैयारी कर रही है, तो उसके लिए कुरकुरे ले लिए और अब थोड़ा बैलून ले लेते हैं। तो गौरी के लिए बैलून ले लिए और पिचकारी वगैरह तो उसने ले ली थी। अब घर चलते हैं और गौरी को लेकर उसको बस स्टेशन छोड़ने के लिए चलना है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ सदरपुरा बी रोड पे गोरू स्वीट होम पे। तो गौरी तो चली गई है ननिहाल, अब आर्य और सौर्या कह रहे हैं कि कोई स्पेशल सब्जी खानी है। तो गोरू स्वीट होम है हमारा जोधपुर का बी रोड के ऊपर। तो इसके लिए लिया मैंने गुलाब जामुन और एक चक्की। चक्की और गुलाब जामुन कैसे बनता है उसको डिटेल में बाद में बताऊँगा। और साथ में ले लिया दही, दही के साथ में फाइट करके इसको बनाते हैं, तो इसके प्रिपरेशन भी अपने साथ में बैठ के करेंगे। और बहुत फेमस जगह है ये, मिठाइयाँ भी बन गई है यहाँ पे, ये देखिए होली की मिठाइयाँ भी तैयार है। तो अब चलते घर पे, नमकीन भी बन के तैयार हो गई, उधर मिठाई रखी है, सूखी सब्जियाँ मिलती है। ये प्रतिष्ठान 70 सालों से यहाँ पे स्टेज प्लेसमेंट है। आप पीछे खड़े हैं राजू भाई, ऑनर हैं यहाँ के, और अशोक भाटी साहब यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ देखते हैं। तो जब कभी भी जोधपुर पधारे तो सरदारपुरा बी रोड पे गोरू स्वीट होम से नमकीन, सूखी सब्जियाँ, मलाई कोफ्ता, गुलाब जामुन, चक्की की सब्जी, ये सब एकदम देसी घी के अंदर मिलती है। और रसमलाई की सब्जी आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो रसमलाई की सब्जी भी मिलती है और आप खाओ तो आहा, रस माधुर्य हो जाता है। दोस्तों आओ किचन की सैर करते हैं। गौरी तो चली गई, मम्मी भी उसके चली गई, अब सौर्या के और आर्या के लिए बढ़िया खाना बना देता हूँ। तो दोस्तों हम बना रहे हैं गुलाब जामुन की सब्जी। ये सूखे गुलाब जामुन है, एक तो मीठे आप खाते हैं, ये सूखे हैं, मावे से बनते हैं। इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दो, फिर दही के अंदर स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी डाल दो। फिर इसमें थोड़ा सा घी के अंदर जीरा डाल के और दही का छोंक इसके अंदर पूरा डाल दिया। अब सूखे गुलाब जामुन को ऐसे गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा गर्म करके और फिर इसको रख देंगे। इसको अपन हिलाता रहेंगे जब तक ये दही का पानी पूरा नहीं उड़ जाए। दोस्तों आटा भी लग गया है, ये सब काम 6 मिनट में हुआ है। ये देखो दोस्तों मसाले में जाली पड़ने शुरू हो गई, मतलब अपना मसाला पक गया। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं ताकि इसके मिठास अच्छी हो जाए। अब दोस्तों ये भी तैयार हो गए पानी में भीग के, इसमें डाल दो और इसको धीरे से हिला के और इसको ढक के रख दो। ये अपने आप धीरे धीरे मसाला पी के और एकदम बढ़िया फूल जाएंगे। ये गुलाब जामुन की सब्जी तैयार। देखिए दोस्तों गुलाब जामुन की सब्जी और चपाती बनके तैयार हो गई।
दोस्तों संध्या काल का समय शुरू हो रहा है। शौर्य गया है नानू के साथ एक चक्कर लगाने के लिए। कहाँ कहाँ होलिका दहन अपने पीछे मोहल्ले के अंदर तैयार है, तो वो आते ही जगह मार करके आ रहा है। अपन चलते हैं, कौन से बच्चों ने कैसी होलिका दहन का निर्माण किया है। और एक बता रहे हैं कि बहुत अच्छी होलिका दहन है, और फिर रात को जो दहन होगा होलिका दहन उसमें भी देखेंगे। फिर अपने तरफ से आनंद जी चाचा है मेरे, वो हर साल बच्चों का कंपटीशन करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, तो रात को अपन पूरी रात वहाँ गेम्स खेलेंगे। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ मेरे मोहल्ले के अंदर, तीन चार गलियाँ हैं, सब अलग अलग लोग ने अलग अलग अपने हिसाब से बहुत सुंदर होलियाँ बनाई है, तो सबकी विजिट कर रहे हैं। बहुत सुंदर। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं कुमारों का मंदिर एरिया, ठाकुर जी का मंदिर। ये देखिए कितनी सुंदर होलिका बनाई है। ये कितने बजे आप मंगल करेंगे? 10 बजे के। तो दोस्तों 10 बजे के करीब ये मंगल करेंगे। मेरे मित्र है एडवोकेट किशन जी प्रजापत साहब, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील साहब है, उनके घर के बाहर इन्होंने इस प्रकार की बहुत सुंदर होली लगाई है। और वकील साहब कितने बजे जलाएंगे? 9 बजे यहाँ पे शौर्य का दोस्त है आदित्य, इन्होंने इतनी सुंदर होली बनाई है। इस समय मैं खड़ा हूँ सरदारपुरा बी रोड के ऊपर सी सेलेक्शन वाली गली में। जतिन और इनके फ्रेंड्स ने बहुत शानदार होली बनाई है, दिखाएं। तो दोस्तों जगह जगह हमारे एरिया के अंदर जितनी भी होली बन रही है उन सब का हम लेते हैं जायका, और उसके बाद में जब मंगल होगी होली उस समय भी हम हाजिर होंगे। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ खाड़ियाबास कुमारों का मोहल्ला है सरदारपुरा बी रोड पे। तो ये बच्चों ने इस इतनी प्यारी होली बनाई है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ सरदारपुरा बी रोड अग्रवाल मार्केट की गली में। ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं अशोक जी माथुर साहब और अशोक जी वैष्णव साहब। तो थोड़ी देर के अंदर ये मांगलिक होने वाली है होली, और अभी इसको अपन यहाँ पे शूट करेंगे। होलिका दहन के बाद में सब प्रेमी यहाँ पे गोल गोल होलिका दहन का चक्कर लगा रहे हैं। We'll be right back.
दोस्तों गली के अंदर हमारे बड़े फंक्शन चल रहा है, बच्चों के साथ में हम कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं इस समय, तो ड्राइंग प्रतियोगिता हो गई, बंटा रेस हो गई। क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हो सब जने? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये किसकी कलर है? कलर मत पकड़ो। अच्छा ड्राइंग कॉम्पिटिशन होगा, ओके, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा। अब रेडी? और जब मैं बोलूं तो छोड़ के कलर वहीं छोड़ के वहीं खड़े हो जाना। आप दिन इसकी सिखाओगे तो हैं? सब है ना, इसको सिखा। ये बड़े बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन है। दोस्तों चाचा ने जज बनाया बच्चों का कंपटीशन की, आप भी मेरी मदद करें कि कौन सा फोटो अच्छा है। ये 3 महीने सजट तो हमारे मोहल्ले के सब परिवार सदस्य इस समय इकट्ठा हुए हुए हैं और बच्चों के कंपटीशन सब मेरे फैंस को बाय कर रहे हैं। तो कल रात को 8 बजे ये प्रसारित होगा, तो सब उत्सुकता के इंतजार करेंगे। ये सब बच्चे बैठे हुए हैं। बाय। नेक्स्ट प्रतियोगिता है, ये गुब्बारे बच्चों के पैरों में बांधे जाएंगे। कॉम्पिटिटर सब तैयार हैं। ये बच्चों के पैर में गुब्बारे बांधे जा रहे हैं। सभी बच्चों के पैरों में गुब्बारे बांधे जा रहे हैं। इस खेल में हाथ पीछे रखेंगे और बच्चे एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ेंगे। अब 5 बच्चे बचे हैं। हाथ पीछे, हाथ टॉस होगा नहीं? ये टॉस हो रहा है, अब दोनों बच्चे बराबर हैं। टेल इधर देख, इधर देख, इधर देख। गुब्बारा रेस, परी मार, परी फोड़।
आप दो कॉम्पिटिटर बचे हैं, उसका लूज हो गया था। वापस टॉस की स्थिति बन गई है, तीन टॉस होंगे, तीन टॉस होंगे ना। टेल टीम सी बॉयज कुबर और एस के लिए तैयार है। कौन रेडी? थोड़ी मार नहीं हुई। यह है सुई धागा प्रतियोगिता, यहाँ से दौड़ के और वहाँ जाके सुई गिरोनी है। ऊपर ऊपर लाइट में देखो, ऊपर जो सुई में पहले धागा पिरो के और वापस उधर जाएगा वो फर्स्ट। स्टार्ट। रात के 1:15 हुआ है, सब कॉम्पिटिशन हो गए हैं, एक कॉम्पिटिशन बचा हुआ है। इस हाथ के अंदर रिंग को बनाना। पक्की बात है, प्राइस बचते ही है। समझाओ ना यार, मत करो मेरे पीछे, जूते मत लगाओ। दोस्तों हर बार कॉम्पिटिशन में गौरी भी हिस्सा लेती है, गौरी ने हिस्सा नहीं लिया, फिर भी चाचा ने गौरी के लिए ये गिफ्ट दिए है, तो गौरी आएगी जब उसको देगी। दोस्तों सुबह के 4 बज रही है, कॉम्पिटिशन वगैरह सब खत्म होके और अब होलिका दहन चल रहा है। हमारे मोहल्ले के परिवार के सभी सदस्य इस समय आपके सामने, और दोस्तों मुहूर्त तो 9 से 10 बजे का था, लेकिन हमारे पिछले 25-30 सालों से आनंद चाचा आपके सामने हैं। इस समय बच्चों को बहुत प्यार से पूरा गेम्स वगैरह खिला के और पूरे साल की कसर गेम्स के एक ही दिन में निकालता है। दोस्तों सुबह के 4:15 बज रहे हैं, अब थोड़ी नींद लेंगे। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम, हमारे मोहल्ले का कार्यक्रम? लाइक शेयर सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स।